नमस्कार दोस्तों, युक्ति आई इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज 24 मार्च है और आज से एक नया सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। आप लोगों ने लूसेंट सीरीज का नाम सुना होगा, आपने सीसेट का सीरीज स्टार्ट किया होगा, उस पर भी काम चल रहा है। इवन बिहार पीसीएस की जो परीक्षा आगामी होने वाली है, या यूपी पीसीएस या यूपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है, उसकी भी सीरीज चल रहा है, उसमें भी करंट अफेयर चल रहा है। और पिछले एक साल के जितने भी करंट अफेयर हैं, आसान किस्तों में एकदम 20-20 क्वेश्चन करके आप लोग के सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो भी सीरीज चल रहा है। और ये जो सीरीज चल रहा है वो 24 मार्च, जैसे आज 24 मार्च है, और पर डे कम से कम 5 ऐसे टॉपिक उठाया जाएगा, ज्वलंत मुद्दे उठाए जाएंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से परीक्षा ओरिएंटेड जो होंगे, जो टॉपिक करेंट अफेयर के होंगे, वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और शाम को मैं आप लोगों के साथ रूबरू ऐसे ही समय पे होता रहूंगा। शाम को चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, जो पीना है पीजिए, और हमसे जुड़िए, आप सभी के सभी युक्ति आईएएस से जुड़िए। और दिन में जो है सीसेट का क्लास भी आप लोग को मिलता रहेगा। जैसे मैंने अभी दोपहर को क्लास जब लिया था सीसेट का, तो मैंने बताया भी था कि सीसेट का जो भी क्लास होगा वो एकदम बेसिक से होगा, जीरो से होगा, जीरो से टॉप लेवल जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो मैथ्स के हो, वो सारे क्वेश्चन पे डिटेल आपसे पूरा डिस्कशन किया जाएगा। जिनको ए बी सी डी भी नहीं पता है वो भी क्लास करेंगे। आज कैलेंडर का टॉपिक स्टार्ट किया गया है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के 24 मार्च के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पे। और ये जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है, ये कोई ऐसे करेंट अफेयर नहीं है, ये बड़ी शिद्दत से लिए गए हैं ये करेंट अफेयर। एक मिनट रुक जाइए आप सभी के सभी, एक मिनट, बस एक मिनट रुक जाइए आप सभी के सभी। तो चलिए इसमें मेन मेन टॉपिक कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा दिक्कत होगी। चलिए, विक्टोरियन मेमोरियल हॉल कोलकाता में, जैसे कल ही आपने 23 मार्च ही दिवस भी था, कल 23 मार्च 1931 यही था डेट मुझे लगता है जहाँ तक। विक्टोरियन मेमोरियल हॉल कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा बात होगा रेल माल ग्राहकों को रेल ग्रीन पॉइंट मिलेंगे, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे, 5 टॉपिक जो मैं उठाया हूँ इस समय। तीसरा आपका टॉपिक रहेगा केरल कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का प्रथम राज्य बनेगा, इस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। चौथा टॉपिक है भारत ने लक्ष्य तिथि से जो टारगेट रखा था, उस टारगेट से बहुत पहले ही $400 बिलियन का वस्तु व्यापार निर्यात प्राप्त किया है, इस मुद्दे पे भी हम लोग बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, 24 मार्च सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इस मुद्दे पे भी हम लोग बात करेंगे। तो इन्हीं 5 मुद्दों पे आज हमारा पूरा सेशन चलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। और 5 मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे, और उसी जो मुद्दे हैं उस मुद्दों से जो है 5 क्वेश्चंस जो है प्रत्येक मुद्दे पे आप लोगों से पूछा जाएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज से ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये स्कैनर है, टेलीग्राम का स्कैनर है, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं युक्ति आईएएस से, वो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपको टेलीग्राम पे क्विज भी होता है, पोल भी कराया जाता है, और बहुत सारी सुविधाएं जो होती है वो टेलीग्राम पे दी जाती हैं। जितने भी क्वेश्चन चाहे वो हिस्ट्री के हों, पॉलिटी के हों, इकोनॉमी के हों, यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, सारा दिन भर का करंट आपको, या जो भी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन, वो आपको टेलीग्राम पे पोल कराए जाते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को कम्युनिटी भी मैं बताऊंगा कि कम्युनिटी पोस्ट भी होता है, कि जो भी करेंट अफेयर के जैसे फिगर्स यहाँ पे देखिए या फिगर बना हुआ, वैसे आगे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग युक्ति आईएएस की कम्युनिटी को भी फॉलो किया कीजिए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे, कुछ 25-50 शब्दों में भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। बाकी कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये युक्ति आईएएस का लोगो है, जो लोग ज्वाइन न किए हों, युक्ति आईएएस के ऐप को इंस्टॉल न किए, इंस्टॉल कर लें। ये टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है आप लोगों को। ये देखिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं यूपीआई के द्वारा, जो ऐप इंस्टॉल करेंगे गूगल के प्ले स्टोर में जाके, तो उसके बाद ये देखिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं, स्टेट पीसीएस के, यूपीएससी के, वनडे एग्जाम के भी टेस्ट सीरीज हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन चालू हो गया है, 5 जून को पेपर है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे दे भी रहे हैं, जिन लोगों को अभी भी देना हो वो टेस्ट पेपर दे सकते हैं। 51 टेस्ट है। यूपी पीसीएस का भी है, 12 जून को पेपर है, आप सभी जानते हैं, और मेंस भी चल रहा है यूपी पीसीएस का। तो देखिए यहाँ पे 21 टेस्ट है, 1 फ्री टेस्ट है, बाकी सब सब्जेक्टिव टेस्ट है, फुल टेस्ट भी है, यूपी स्पेशल भी है, ठीक है। यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल जितने भी स्पेशल्स होते हैं उसके भी करंट आप लोगों को मिलेंगे। बीपीएससी का भी लगातार एकदम पूरा फुल एकदम तरीके से चल रहा है 67 बीपीएससी का, क्योंकि आप सभी को पता है कि 5 मई 2022 को पेपर है, 40 दिन और बचे हुए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 900+ पोस्टेज है इसमें, ठीक है। ये लूसेंट का सीरीज का भी चल रहा है टेस्ट सीरीज, जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, लूसेंट का काफी इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन का पूरा सेट दिया जाता है पर डे।
और ये देखिए युक्ति आईएएस का जो मैं कह रहा था आप लोगों से, युक्ति आईएएस का कम से कम आप लोग जाके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब युक्ति आईएएस का यूट्यूब खोलेंगे आप लोग तो यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट होता है। देखिए कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कम से कम कम्युनिटी पोस्ट फॉलो कीजिए। देखिए कम्युनिटी में आज दिया भी गया है, रोज पर डे जो है आपको ये फिगर दिए जाते हैं, प्लस डिटेल भी थोड़ा बताया जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें पूछा है विंग इंडिया 2022 का, देखिए यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है किस मंत्रालय के द्वारा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो कम्युनिटी पर भी पोस्ट किया जाता है। तो युक्ति आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाएं, आप कम्युनिटी पे जाएं और वहाँ पे जाके इन चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा कि नागर विमान से जुड़ा एशिया का सबसे बड़ा आयोजन हुआ है विंग्स इंडिया 2022। देखिए 24 से 27 मार्च 2022 हैदराबाद में किया जा रहा है और किसके सहयोग से किया जा रहा है, नागर विज्ञान मंत्रालय और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। थीम क्या है, इंडिया 75 विमान उद्योग के लिए नया क्षितिज है, आयोजन के महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सब चीज़ देखिए यहाँ पे कम्युनिटी में सब मिल रहा है क्योंकि इस फोटो से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए सीधे हम बात करेंगे समसामयिक 24 मार्च 2021। पहला जो टॉपिक है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए बात करते हैं, दोनों माध्यम में इंग्लिश और हिंदी दोनों भी है, दोनों माध्यम में आप लोग देख सकते हैं। इनॉग्रेशन ऑफ विप्लवी भारत गैलरी एट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता, सभी लोग जानते हैं कि कोलकाता में है, ये याद रखिए। कल का ये करंट अफेयर है, 23 मार्च की घटना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। कोलकाता विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है, 23 मार्च को किया गया है। यह नई गैलरी देश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दर्शाएगी। आप सभी को पता है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं क्योंकि हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला था और इस साल 2022 में 75 साल पूरे होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी इस साल बड़े धूमधाम से 75 सप्ताह पहले से ही स्टार्ट कर दिया गया है, एक साल पहले से ही स्टार्ट कर दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। और जैसे मैंने कहा कि 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, ये 23 मार्च शहीद दिवस मनाया जाता है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 23 मार्च को ही कोलकाता के मेमोरियल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि इसमें जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के उनके योगदानों को दर्शाया जाएगा। यह गैलरी बेसिकली उन विभिन्न घटनाओं पर एक समग्र दृष्टिकोण होलिस्टिक व्यू प्रदान करेगी जिसके कारण देश ने 1947 में स्वतंत्रता संग्राम हासिल किया था, स्वतंत्रता को प्राप्ति किया था। और आपको पता होगा कि बंग भंग आंदोलन से भी क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, बिहार पीसीएस में बंग भंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, बंग भंग कब हुआ था, बंगाल विभाजन क्या हुआ है, ये सब भी चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर अगर आप चलते हैं इस क्वेश्चन को, मॉडर्न हिस्ट्री और मेंस को लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये करंट भी आप लोग को काम देगा कि आप उसमें वहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, क्या उद्देश्य था, किन परिस्थितियों में, मतलब क्या मेन उसका आखिर उद्देश्य क्या है, किसके लिए किया गया है, स्वतंत्रता सेनानियों के जो योगदान उनको दर्शाने के लिए किया गया है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं आप अपडेट रह सकते हैं, इंटरव्यू में ये चीजें आप लोगों को काम जरूर देगा। यह गैलरी क्रांतिकारियों के आंदोलन के जन्म, देश भर में इस आंदोलन के प्रसार, इस आंदोलन के साथ नेताओं के जुड़ाव, भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन, भारतीय नौसेना विद्रोह आदि को प्रदर्शित करेगी। यानी कि पूरा होलिस्टिक व्यू आप लोग को यहां पर दिखाया जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का जो उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी इनवॉर्ड द विप्लवी भारत गैलरी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता ऑन 23 मार्च 2022 थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, दिस न्यू गैलरी विल शोकेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर टू द कंट्री फ्रीडम स्ट्रगल। इन चीजों को भी आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि जब बंगाल विभाजन हुआ था तो बंगाल का एरिया बहुत विस्तृत था, अंग्रेज जो फूट डालो और राज करो की नीति को लेकर चल रहे थे, बंगाल में सारा था, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, सारा पूरा बहुत बड़ा होलिस्टिक एरिया था। और उनका यही था कि एरिया बड़ा है इसकी वजह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि नेता कुछ और था क्योंकि वो हमें जाति के हिसाब से, हमें धर्म के हिसाब से बांटने की कोशिश कर रहे थे, बंगाल की अटूट एकता को तोड़ना चाहते थे। इसलिए उनका मेन उद्देश्य यही था, मेन उद्देश्य से इसीलिए किया गया था कि बंगाल को कैसे हम विभाजित करें। तो ये जो है करेंट अफेयर, मैं बंगाल विभाजन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि बंगाल एक पावर हाउस था, सेंटर ऑफ मास था बंगाल, हमारी आज़ादी का केंद्र बिंदु था बंगाल, और कोलकाता से नई दिल्ली ट्रांसफर भी किया गया था राजधानी को। तो ये इस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को भी आप याद रखिएगा, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, कहीं पर भी किसी शब्द को आप तोड़ मरोड़ के वहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल 23 मार्च 2022 पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या यहाँ पे कैलेंडर जो बना हुआ है, यहाँ पे गैलरी देख लीजिए,
और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो गैलरी और फोटो जो आप लोग को दिए जा रहे हैं ना, ये फोटो जैसे दिए जा रहे हैं, ये देखिए सारा, कम से कम आप लोग एटलीस्ट इसको देखते रहिए, इस फोटो से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट के साइड से मैं उठाया हूँ, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी के उद्घाटन पर पीएम मोदी का क्या संदेश है देख लीजिए। तिरंगे के तीन रंगों में नए भारत का भविष्य है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोटेशन दिया है। केसरिया रंग हमें कर्मठता, कर्तव्य और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रेरणा देता है, क्योंकि सभी को पता है कि हमारे जो तिरंगे का रंग जो है केसरिया, सफ़ेद और हरा है, जिसमें केसरिया जो प्रतिबिंब है हमारा कर्मठता का, कर्तव्य और राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रेरणा देता है। सफ़ेद रंग अब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का पर्याय बन गया है। हरा रंग जो है आज पर्यावरण की रक्षा के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारे लक्ष्यों का प्रतीक है। तिरंगे में लगा नीला चक्र नीली अर्थव्यवस्था का पर्याय है। मैं ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात बोली गई है। आज जो केसरिया रंग जो है, हमें कहीं ना कहीं कर्मठ होने के लिए, हमें अपने कर्तव्य के प्रति प्रायण होने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा जो नेशनल हमारी सिक्योरिटी है उसको मजबूत करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी की धारणा को, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चलने की बात प्रेरणा देता है हमें। सफ़ेद रंग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करता है, और हरा रंग जो है पर्यावरण जो है, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने की बात की जा रही है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारे लक्ष्यों को हासिल का प्रतीक भी है, जो बताया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। और तिरंगे में लगा नीला रंग जो है वो नीली अर्थव्यवस्था का पर्याय बन चुका है। ठीक है, इस कोटेशन को जरूर आप लोग याद रखिएगा, इकोनॉमी में उठा के यही पूछ देगा नीली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये कि ये जो आपको सीरीज जो स्टार्ट किया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, हर जगह आप लोग को काम देगा। तो आप अगर मान लीजिए एक कोटेशन उठा के पूछ दे कि सबका साथ सबका विकास, सभी लोग जानते हैं कोटेशन है, लेकिन सबका प्रयास वाला शब्द कहाँ यूज किया गया है, तो ये यूज किया गया कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। चलिए अगला टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं और भी देख लीजिए, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का जो उद्घाटन किया गया, और भी देख लीजिए जो देखना हो, भारत हेरिटेज टूरिज्म में निवेश कर रहा है। जो हमारे हेरिटेज है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसमें निवेश कर रहा है। यह न केवल सुदूर क्षेत्रों में नागरिकों की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। आज जितने भी हेरिटेज है हमारे, वहां अगर कोई भी चीज कहीं पर भी डेवलप होती है, कोई भी चीज नए तरीके से प्रेजेंट जगह किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां के लोकल लोगों को कम से कम रोजगार सृजन होगा, रोजगार का एक नया तरीका डेवलप हो रहा है। आपने देखा होगा सरकार बहुत सारी चीजों को लीज पे भी दे रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर चीजें अच्छी होंगी, पूरी दुनिया हमारे लोगों के संस्कृति के बारे में जानेगी, हमारी विरासत के बारे में जानेगी, और इसीलिए मैंने कहा कि भारत हेरिटेज टूरिज्म में निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उसमें। जो मैंने यहाँ पर शब्द उन्होंने यूज किया कि न केवल सुदूर क्षेत्रों में नागरिकों की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। इसके साथ साथ कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा है कि भारत को गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड से आजादी तीन धाराओं जैसे कि क्रांति, सत्याग्रह और जन जागृति अभियानों के संयुक्त प्रयासों से मिली है। बताइए इतना बड़ा कोटेशन देश के प्रधानमंत्री का उठा के मॉडर्न हिस्ट्री में उठा के क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत को गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड से जो आजादी मिली है, 1757 से लेकर 1857 का जो जो 100 साल का दर्द था, कहीं ना कहीं 1857 के महाविद्रोह में हमें देखने को मिलता है। प्लासी का युद्ध जो था और वहां से लेकर 1857 का महाविद्रोह, इन तीन धारणाओं, क्रांति का मतलब होता है किसी भी सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन, दैट इज कॉल्ड क्रांति। सत्याग्रह, गांधी जी का जो सत्याग्रह था, सत्य के साथ आग्रह करना, और जन जागृति, लोगों को जागृति करना के अभियानों के संयुक्त प्रयासों से मिली थी। इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये कोटेशन है हमारे देश के प्रधानमंत्री का। तो ये तीनों जो है आपको, जो 23 मार्च को किया गया था, उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं उनके बारे में जागरूक करना, वहां पर आर्ट गैलरी में बताया जाएगा, ये सब चीजों को आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। दूसरा टॉपिक उठाया है मैंने, रेल माल ग्राहकों को रेल ग्रीन पॉइंट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आखिर ये क्या है, ये कौन सी बला है जो रेल माल ग्राहक जो होंगे उनको रेल ग्रीन पॉइंट मिलेंगे। तो देखिए भारतीय रेलवे, जो कि जानते ही हैं कि सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है, कमेंट करके पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस समय देश के रेल मंत्री कौन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस समय भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है। क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को हर जगह मिलेगा। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा पानी पी लूं क्योंकि गला कभी कल बैठ जाते हैं।
देखिए आप लोग स्टूडेंट हैं और आप लोगों से क्या छिपाना उन चीजों को। तो रेल माल ग्राहकों को रेल ग्रीन पॉइंट्स मिलेंगे। ये रेल ग्रीन पॉइंट्स क्या है? भारतीय रेल ने, जो हमारी इंडियन रेलवे है, उसने माल ग्राहकों को रेल ग्रीन पॉइंट नामक कार्बन सेविंग पॉइंट देने के लिए हाल ही में नीति जो है दिशा निर्देश जारी किया है। यह केवल उन्हीं माल ग्राहकों के लिए लागू होगा जो माल्स मतलब गुड्स परिचालन सूचना प्रणाली के ईआरडी पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। यह सभी को नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ उन माल ग्राहकों को दिया जाएगा जो ईआरडी पोर्टल पर क्या होंगे, पंजीकृत होंगे, अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे। माल सेवाओं के लिए जो भी ग्राहक ऑनलाइन ई डिमांड मॉड्यूल पर मांग दर्ज करेगा, उसे माल यातायात के लिए भारतीय रेल को चुनने पर फौरन पॉपअप जो धन्यवाद का मैसेज आएगा। यानी कि जो भी ग्राहक ऑनलाइन तरीके से अगर ई डिमांड करता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिमांड करता है, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे डिमांड करते हो, तो वहां पर आपको वहां से आपको डायरेक्ट क्या मैसेज आएगा, धन्यवाद का मैसेज आएगा। संदेश में रेल ग्रीन पॉइंट नामक कार्बन उत्सर्जन की संभावित बचत की पूरी जानकारी मिल जाएगी। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कैलकुलेटर विकसित और संशोधित करने की जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिला के ये है कि जो भी हमारे रेल माल ग्राहकों को अब रेल ग्रीन पॉइंट मिलेंगे, ये उन्हीं को मिलेंगे जो रजिस्टर्ड होंगे ईआरडी पोर्टल पर। और जैसे मैंने कहा कि माल सेवाओं के लिए जो भी ग्राहक ऑनलाइन मांग दर्ज करेगा, ऑनलाइन अपनी डिमांड बताएगा कि भैया मुझे चाहिए, उसे माल यातायात के लिए भारतीय रेल को चुनने पर फौरन पॉपअप का एक मैसेज आ जाएगा, वो भी धन्यवाद लिखकर आ जाएगा। और संदेश में रेल ग्रीन पॉइंट नामक कार्बन उत्सर्जन की संभावित बचत की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि टेरी को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है, तो इसको देख लीजिएगा। रेल गुड्स कस्टमर विल बी गेट रेल ग्रीन पॉइंट्स। इंडियन रेलवे हैज रिसेंटली इशूड पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर प्रोवाइडिंग कार्बन सेविंग पॉइंट्स कॉल्ड रेल ग्रीन पॉइंट टू गुड्स कस्टमर। दिस विल बी अप्लीकेबल ओनली फॉर दोज गुड्स कस्टमर हु हैव रजिस्टर्ड ऑन द ईआरडी पोर्टल्स ऑफ गुड्स ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ए कस्टमर हु रजिस्टर्ड ए डिमांड फॉर गुड्स सर्विस ऑनलाइन ई डिमांड मॉड्यूल विल बी इमीडिएटली रिसीव ए पॉपअप थैंक यू मैसेज ऑन सेलेक्टेड इंडियन रेलवे फॉर फ्राइटर ट्रैफिक। इन मैसेज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोटेंशियल सेविंग ऑफ कार्बन इमिशन विल बी फाउंड कॉल्ड रेल ग्रीन पॉइंट। The Energy of Resource Institute TERI has been entrusted with the responsibility of developing and revising the greenhouse gas emission calculation. तो कहने का मतलब ये है कि TERI को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है। दोनों माध्यम में बताया जा रहा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जो हमारे इंग्लिश वाले हों इंग्लिश में देखें, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देखें, जिनको दोनों आता है bilingual दोनों में देखें। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जिम्मेदारी किसको दी गई है? वो जिम्मेदारी दी गई है आपको TERI को। टेरी का फुल फॉर्म क्या है? कई बार पेपर में पूछा है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ध्यान से पढ़ लीजिएगा, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, नहीं तो कुछ और लिख के चले आइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केरल के बारे में। तो यह देखिए, दूसरे क्वेश्चन से मैं जो क्वेश्चन पूछा हूं कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा है कि इस समय देश के रेल मंत्री कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे ही पता चल पाएगा कि वाकई में पढ़ाई क्या करते हैं आप लोग। पेपर लगातार कई सारी परीक्षाएं हैं, अगर परीक्षाओं पर अगर चर्चा किया जाए तो जैसे आपका देखा होगा आप लोगों ने 5 मई को बिहार पीसीएस है, बीपीएससी की परीक्षा, जून में तो दो दो परीक्षा है, एक तो आईएएस वाला है जो 5 जून को है, विश्व पर्यावरण दिवस, और 12 जून को यूपीपीसीएस छोटा भाई इसका। ठीक है, तो तीन तीन परीक्षाएं हैं, बड़े परीक्षाएं हैं, मन लगा के पढ़ लीजिए, मामला सेट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केरल के कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। और मैं बार बार मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, जब भी कुछ नया इनोवेशन होता है साउथ में ही होता है, तुक्का लगाना हो तो सिक्किम पहला ऐसा राज्य था जिसने ऑर्गेनिक खेती किया, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने वाला पहला राज्य सिक्किम था। ये भी पेपर में उस साल यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा था। और केरल कार्बन तटस्थ तरीके के पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो भी कार्बन की बात की जा रही है, कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पेश करने वाला, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन नेचुरल फार्मिंग मेथड। ठीक है, तो कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पेश करने वाला पहला राज्य बन चुका है। केरल देश का प्रथम राज्य बनने को तैयार है जो चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पेश करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए रखे हैं।
प्रथम चरण में कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के तहत 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती लागू की जाएगी और इसके अलुवा स्थित स्टेट सीड फार्म को कार्बन न्यूट्रल फार्म में बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। द्वितीय चरण में केरल के सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल कार्बन न्यूट्रल फार्म विकसित किया जाएगा। केरल के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान साहब है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। बेटा इन दोनों को भी याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी स्टेट का कम से कम लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, सीएम और राज्यपाल का नाम एटलीस्ट आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसमें जो जानना है कि भैया बजट में 6 करोड़ रुपए रखे गए हैं और केरल देश का प्रथम राज्य है जो तटस्थ तरीके से कार्बन खेती को तरीके को पेश करने वाला पहला राज्य बना है। न्यूट्रल तरीके से किया जा रहा है, स्टार्टिंग अभी कम 13 सेक्टर्स में किया जा रहा है, 13 फार्मों में किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में हर विधानसभा में किया जाएगा। केरल के जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम है पिनराई विजयन साहब और जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान साहब है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। केरला इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड इन सेलेक्टेड लोकेशन। फॉर दिस द स्टेट गवर्नमेंट हैज किप्ट 6 करोड़ रुपीज इन द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। इन द फर्स्ट फेज कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग विल बी इंप्लीमेंटेड इन 13 फॉर्म्स अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड ट्राइबल्स एरियाज एंड स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू कन्वर्ट स्टेट सीड्स फ्रॉम टू अलवा इनटू ए कार्बन न्यूट्रल फॉर्म। इन द सेकेंड फेज में क्या होगा, ए मॉडल कार्बन न्यूट्रल फॉर्म विल बी डेवलप इन 140 असेंबली कंस्टिट्यूंसी ऑफ केरला। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनराई विजयन। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि शुरुआती दौर में 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती लागू की जाएगी। आने वाले समय में केरल के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर भी इसको काम को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बजट पेश किया जाएगा 2022-23 का, 6 करोड़ रुपये उसके लिए रखे गए हैं। बस यही कहने का मेरा मतलब था। देखिए केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। और देखिए कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग का देखने का नजरिया ही कुछ और होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है सी, ये क्या लिखा है, ये देखेगा ओ, और ये क्या है टू। तो जब हो गया CO2 इसका मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। दूर से देखेंगे तो आपको एक पौधा दिखाई देगा, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो केरला बिकम्स एज ए फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। तो देखिए जो फोटो जो फिगर्स आपको युक्ति आईएएस प्रोवाइड करता है वो आपको परीक्षा में कितना महत्वपूर्ण रहेगा, ये जब आप पेपर देंगे, पेपर देके आएंगे तब पता चलेगा आप लोगों को। इसलिए कम्युनिटी पोस्ट को भी आप लोग देखते रहिए, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फिगर्स, बहुत सारे ऐसे शब्द जो 25-50 शब्द के होते हैं वहाँ पर देखने को आपको मिलता है, क्योंकि हर चीज़ें आप लोग को नहीं बताई जा सकती, वो कुछ चीज़ें वहाँ पर भी रखा जाता है। ठीक है, तो दिन भर के करेंट होते हैं, कितना कोई बताएगा आपको। बट जितना इंपॉर्टेंट है, केरला फर्स्ट बिग स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन मतलब चौथा टॉपिक जो है, अब बताइए वही भारत जिसने महामारी के दंश को झेला, जिसने कोविड को झेला। कोविड इतना बड़ा देश, 130 से 140 करोड़ पॉपुलेशन, वो भी तो काउंटिंग में पता नहीं कितने छूट जाते हैं, और उसके बाद भारत ने जो टारगेट रखा था उस टारगेट के पहले ही अचीव कर लिया, अब उस पर हम बात करने वाले हैं। तो भारत ने लक्ष्य तिथि से बहुत पहले, यानी कि लक्ष्य जो रखा था, जैसे आपने लक्ष्य रखा है लक्ष्य 2022 यूपीएससी क्रैक, लक्ष्य 2023 यूपीपीएससी क्रैक, तो वैसे ही जो लक्ष्य रखा है सरकार ने उसके पहले ही, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि भारत ने लक्ष्य तिथि से बहुत ही पहले $400 बिलियन का वस्तु व्यापार निर्यात प्राप्त किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, इतना बड़ा डिपार्टमेंट दिया गया है। पीयूष गोयल ने कहा है कि $400 बिलियन का निर्यात हासिल करना देश के प्रत्येक सेक्टर, प्रत्येक हितधारक के ठोस सामूहिक प्रयास का परिणाम है। भारत से वस्तु निर्यात चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से 9 दिन पहले ही $400 बिलियन से अधिक हो गया है और यह वित्त वर्ष 2018-19 में अर्जित $330 बिलियन के पिछले रिकॉर्ड से कहीं बहुत अधिक है। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, इस समय भी सरकार उसी की है। तो देखिए कंपेयर अगर कर रहा हो तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि 2018-19 में जो अर्जित किया था वो $330 बिलियन था, लेकिन अगर मैं बात करूं इस समय के कंपेयर से तो 2022 में चल रहा है, देखिए $400 बिलियन तक पहुंच गया है। 9 दिन पहले इन्होंने जो टारगेट रखा था उस टारगेट को इन्होंने अचीव कर लिया है, और उन्होंने सभी हितधारकों को, सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं सबको अप्रिशिएट किया है, सबके मेहनत का परिणाम है। बस यही यहाँ पर बताया गया है कि भारत ने लक्ष्य तिथि से बहुत पहले ही, मतलब 9 दिन पहले ही $400 बिलियन का वस्तु व्यापार निर्यात प्राप्त किया है। निर्यात का मतलब क्या होता है, आयात मतलब
क्या होता है? आयात मतलब खरीदना और निर्यात का मतलब क्या होता है? बेचना। ये भी बहुत लोगों को नहीं पता हो तो जान जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यू इंडिया, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब का लोगो और फोटो, देखिए सब चीज बता दे रहा हूं यहाँ पे। $400 बिलियन का निर्यात लक्ष्य समय से बहुत पहले हासिल हुआ है। पूर्व की उपलब्धियां देखिए क्या क्या है। जुलाई 2021 में $35.5 बिलियन का अब तक का सबसे अधिक मासिक निर्यात हुआ है। 2018-19 में $300 बिलियन का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक निर्यात हुआ था। इसके साथ ही वैश्विक महामारी के बावजूद, जो मैंने शुरुआत में शब्द कहा है कि 2019-20 में $313 बिलियन और 2020-21 में $291 बिलियन का निर्यात हुआ था। तो डेटा बेटा डेटा पढ़ लेना, 18-19 का $330 बिलियन का था, 19-20 का $313 बिलियन का था, 20 और 21 का $291 बिलियन का था और 2022 का $400 बिलियन का। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा जितने भी डेटा दे रहा हूँ। 400 बिलियन का निर्यात लक्ष्य समय से बहुत पहले हासिल हुआ है। निर्यात का विस्तार, कवरेज का विस्तार, मौजूदा और नया बाजार उत्पाद है। पिछले वर्षों में देशों और उत्पादों दोनों में छूट बाजार के शेयर है। छोटे से छोटे देश को भी कवर करने पर फोकस किया गया है। 200 देश क्षेत्र के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहाँ पर भी बताया गया है कि $400 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले प्राप्त हुआ है। अब तक का सर्वाधिक मर्चेंडाइज व्यापार हुआ है। यहाँ पर देखिए 20 और 21 में $292 बिलियन था। यहाँ पर देखिए 2021 और 22 में $400 बिलियन 9 दिन पहले हासिल किया गया। तो पूरा ये फोटो के माध्यम से, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार फोटो के माध्यम से इन चीज़ों को आप लोगों ने को बताया जा रहा है कि इन चीज़ों को देख लीजिएगा। इकोनॉमी का जो क्वेश्चन आपका बनेगा UPSC का, डेटा कहीं से उठा के पूछ देगा। 19, 20, 21, 22 का सब डेटा का कंपेयर करा देगा। तो याद रखिएगा कि 2019 और 20 का था, 18-19 का 330, 19-20 का जो है 313, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। 2018-2019 का देखिए 330 था, 2019 और 2020 का देखिए, यहाँ पर 20 का जो दिया हुआ है 313 दिया है, और 2021-2022 का देखिए दिया है 291 दिया गया है, और उसके बाद देखिए $400 बिलियन का पाया लक्ष्य को पहले ही 9 दिन पहले प्राप्त कर लिया गया है। तो इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता दिया गया है $292 बिलियन 2020 और 21 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए यही सब चीज़ें हैं। इसमें सबसे मेन क्या था देख लीजिए, ये इकोनॉमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। $400 बिलियन का लक्ष्य जहां से पहले हुआ है, भारत की तेज प्रगति इस बात का परिणाम है। मेक इन इंडिया ब्रांड्स में दुनिया का दबदबा जो है हमारा भारत का, गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के निर्माण में भारत का सामर्थ्य और विशेषता, उत्पादन क्षमता, विदेश नीतियों का सफल क्रियान्वयन। जैसे हमारी जो विदेश नीति है वो एक वही अमेरिका है जो अतराता था परमाणु परीक्षण करने में, आज वही अमेरिका है जो देश के प्रधानमंत्री को रेड कार्पेट बिछा के स्वागत करता है। वक्त का खेल है। निर्यात का विस्तार देख लीजिए, कवरेज का विस्तार किया गया, मौजूदा और नया बाजार उत्पाद, पिछले वर्षों में देशों उत्पादों दोनों में छूट बाजार के शेयर्स, कवरेज का विस्तार, छोटे छोटे देश को भी कवर करने पर फोकस किया गया है। 200 से अधिक देश क्षेत्र के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और राज्य और जिला स्तर पर भी गहन संवाद, निर्यात को बढ़ावा देने में मददगार, समस्याओं का त्वरित समाधान व निर्यातकों को मदद के लिए सदैव तत्पर भी किया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप फोटो के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक जो है आपका 24 मार्च जो आज है, सत्य के अधिकार, 24 मार्च, सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सत्य जो गांधी जी कहते थे, सत्य जो सत्यता की बात करते थे। तो देखिए 24 मार्च जो आज का दिन है, 24 मार्च, 2×4 भी होता है, याद रखिएगा। 24 मार्च को सकल मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित सत्य के अधिकारों और पीड़िता की गरिमा, इंटरनेशनल डे ऑफ द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेंस एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ द विक्टिम के लिए प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किए जाने के लिए मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है सत्य के अधिकार पीड़ितों की गरिमा के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली उन लोगों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने सभी के लिए मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के संघर्ष में अपना जीवन समर्पित किया है या अपनी जान गवा दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे आज़ादी के जो दीवाने थे, जो आज़ादी में स्ट्रगल मैन, फ्रीडम फाइटर जो हमारे थे, वो कितना पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने देश को आज़ादी कराने के लिए ना जाने कितनी यातनाएं झेली हैं। तो वही मैंने जहाँ पर लिया है कि 24 मार्च जो है सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, और बेसिकली उनको श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने सभी के लिए, उनकी मानवाधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए
या अब उनकी जानों की रक्षा करने में अपना पूरा का पूरा संघर्ष पूरा जीवन लगा दिया था, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए इसको मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मानसिकरण ऑस्कर अनफ्लो रोमरो को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि 24 मार्च 1980 को उनकी हत्या कर दी गई थी। अनफ्लो रोमरो अल सल्वाडोर में सबसे कमजोर या हीन माने जाने वाले व्यक्तियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना करने में सक्रिय रूप से लगे हुए थे। दिसंबर 2010 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवता के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न को ना करने के लिए इन दिनों की घोषणा की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है, तो इसको भी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा कि उनका नाम था मानसिकरण ऑस्कर अनफ्लो रोमरो रोमेरो, ठीक है। 24 मार्च 1980 को उनकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि जो उनका जो मेन उद्देश्य यही था कि भाई जो गरीब व्यक्ति था, जो अल सल्वाडोर में सबसे कमजोर या हीन माने जाने वाले व्यक्तियों के मानवाधिकारों को बचाने के लिए या मानवाधिकार का जो उल्लंघन हो रहा था उनकी आलोचना करने में सक्रिय रूप से लगे हुए थे। तो इसको दिन को याद रखिएगा। और 24 तारीख क्यों मनाया जाता है 24 मार्च, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि 24 मार्च इंटरनेशनल डे द राइट टू द ट्रूथ एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम। द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर 24 मार्च, संयुक्त राष्ट्र डिक्लेयर करता है 24 मार्च एज द इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड द डिग्निटी विक्टिम रिकॉग्नाइज फॉर। इट्स पर्पज इज टू प्रे ट्रिब्यूट टू दोज हु हैव डिसाइडेड या लॉस्ट देयर लाइफ एंड स्ट्रगल टू प्रमोट। एक मिनट चाहिए आप लोग। Promote and protected human rights for all. The day is celebrated every year 24 March to pay tribute to Monsieur and Oscar Anfulo Romero since has been assigned by 24 March 1980. इसको देख लीजिएगा। The day was declared United Nation के द्वारा, जो मैंने कहा 2010 में इस दिन को मनाने के लिए घोषणा किया गया है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो आज का जो संभावित प्रश्न है इन पांचों टॉपिक से, जो टॉपिक मैं दिखा देता हूँ, 24 मार्च क्या है, किसके लिए मनाया जाता है, मानसिकरण ऑस्कर अनफ्लो रोमरो को उनको श्रद्धांजलि देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2010 से मनाया जा रहा है, 1980 में इनकी हत्या कर दी गई थी। ये सारे टॉपिक देख लीजिएगा, न्यू इंडिया, स्किल इंडिया, जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताया, भारत ने लक्ष्य कितने दिन पहले, केरल फर्स्ट स्टेट, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, इसको सब देख लीजिएगा। और रोज आप लोग को 5 कम से कम टॉपिक दिए जाएंगे शाम को, तो बने रहिए हमारे साथ। और जो लास्ट में आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे इन्हीं सब टॉपिक से, तो ये देखिए क्वेश्चंस आज के जो इसी टॉपिक से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि विप्लव भारत गैलरी का उद्घाटन, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा मुझे, क्या होगा। विप्लव भारत गैलरी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 24 मार्च, ऑप्शन बी 25 मार्च, ठीक है। तो समझदार अगर कोई व्यक्ति होगा तो कब किया गया, यहाँ पर लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है 25 मार्च आने वाला है, 24 कुछ होगा नहीं, 21 और 23 में लगा के आएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग समझदार हैं कि नहीं है। और मेरा एक और क्वेश्चन इसमें जुड़ जा रहा है कि कहाँ पर किया गया, ठीक है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेन वाज द विप्लवी भारत गैलरी इनॉग्रेटेड, एक मिनट रुक जाइए क्योंकि इसको छूना पड़ता है, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 21 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, रेल ग्रीन पॉइंट को संचालित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? टाटा पावर को दिया गया है, टेरी को दिया गया है, रिलायंस होंड पावर को दिया गया है, या इनमें से किसी नहीं को दिया गया है? Who among the following has been given to operate the Rail Green Points, Tata Power, Terry Reliance, Honda Power, या none of above? कमेंट करके आप लोग मुझे बताएंगे, अभी पढ़ाया हूँ मन से ही। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का प्रथम राज्य निम्नलिखित में से कौन बना है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटक, एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। Which of the following become the first state in the country to introduce carbon neutral farming method? हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटका एंड उत्तराखंड। तो इसको जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जो भी टॉप 10 स्टूडेंट होंगे उनको मेरे द्वारा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी जाएंगी जो हमसे जुड़ेंगे, बताऊंगा मैं क्या होगा वो आने वाले समय में। पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। भारत ने निर्धारित लक्ष्य तिथि से पूर्व ही, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितना बिलियन डॉलर का वस्तु व्यापार निर्यात प्राप्त किया है?
ऑप्शन ए 200 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 300 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 400 बिलियन डॉलर। इंडिया हैज अचीव हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग बिलियन डॉलर मर्चेंडाइज ट्रेड एक्सपोर्ट बिफोर द सेट टारगेट डेट। 200 बिलियन, 280 बिलियन, 300 बिलियन, 400 बिलियन, कमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा। और यह भी बताइए कि 2019-20 वाला कितना था, 2020-21 वाला कितना था, 2021-22 वाला कितना था, कमेंट करके ये भी मुझे बताइएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, बट नॉट लिस्ट, सत्य के अधिकार और पीड़ितों, एक मिनट हो जाए इसको मैं, ठीक है, सत्य का अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्नलिखित में से किसके याद में मनाया जाता है। ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन डी मानेश्वर अस्कर। द इंटरनेशनल डे ऑफ द राइट टू द ट्रूथ एंड डिग्निटी इज द विक्टिम इज द सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल एंड मानेश्वर अस्कर। तो ये कमेंट करके चार पांचों क्वेश्चंस के आप लोग एटलीस्ट आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। yuktiis.in वेबसाइट है, yuktiis का ये लोगो है, ये ऐप का भी लोगो है। अगर किसी को ऐप इंस्टॉल करना है तो करना क्या होता है, गूगल के प्ले स्टोर पर अपने जाइए, गूगल का प्ले स्टोर जो होता है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे yuktiis, ये जो yuktiis सर्च करेंगे यही लिखेंगे yuktiis, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। दो ऑप्शन आता है, एक होता है लॉगिन और एक होता है रजिस्टर। तो पहले फर्स्ट टाइम कोई आएगा तो वो रजिस्टर्ड ही करेगा, रजिस्टर्ड में अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, जो पासवर्ड बनाना है बनाइए और रजिस्टर्ड हो जाएगा। और उसके बाद जो भी सब्सक्रिप्शन लेना हो वो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चैनल को, और एक और न्यूज़ है कि जो भी करंट अफेयर इस समय पेपर्स होने वाले हैं, चाहे वो UPSC के हो, चाहे वो स्टेट PCS के हो, चाहे UPPCS के हो, चाहे जितने भी वनडे एग्जाम्स के लिए हो, सभी का एक साल का करंट अफेयर का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। सुबह मॉर्निंग में हम सब क्लास लेते ही हैं। लूसेंट का भी सीरीज चल रहा है लगातार, टेस्ट सीरीज भी लगातार चल रहा है, रनिंग है। बाकी जितने भी पेपर्स हैं आपके, जैसे मैंने दिन में CSET भी स्टार्ट कर दिया है आज से ही, और आज से करंट अफेयर के हर डे 5 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि बस एक लाइनर पढ़ा दिया और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। जो परीक्षा ओरिएंटेड है, जो आपको मेंस में भी काम दे, इंटरव्यू में भी काम दे, और आपको नॉलेज के लिए भी वो चीज़ें होनी चाहिए, प्रीलिम्स में भी काम दे। तो बने रहिए yuktiis के साथ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं ये पांचों क्वेश्चंस आप लोग को कल करके ला के मुझे दिखाना है, कमेंट करके देना है मुझे। 5 टॉप 10 जितने भी स्टूडेंट होंगे जिनका कमेंट सही होगा तो कल उनका नाम बोला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलते हैं शाम को करंट अफेयर के साथ और CSET के कोर्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जिन लोगों ने CSET का लेक्चर ना देखा हो जाके देख सकते हैं, सुबह भी मॉर्निंग में हमारे सर के द्वारा क्लासेज लिया गया है उसको भी देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक पे भी, इंपॉर्टेंट डे पे भी बात बीच बीच में होती रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।